हमारे आज के इस कार्यक्रम की मुख्य वक्ता वेल नोन डाइटिशियन एंड वेलनेस एक्सपर्ट डॉक्टर शिल्पी गोयल जी हमारे बीच आ चुकी हैं। मैम आपका भी स्वागत है कार्यक्रम को। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एवं वेलनेस एक्सपर्ट डॉक्टर शिल्पी गोयल जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। मित्रों, जैसा कि हम जान रहे हैं कि वर्तमान परिस्थिति में काफी सारे भ्रांतियां हमारे बीच चल रही हैं। हम जो कुछ व्हाट्सएप ज्ञान मिलता है उसे आत्मसात करते हुए उसका प्रयोग करने लग जाते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी चीजें हमारे सेहत के लिए हमारे लिए अच्छी हों। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए आज का ये कार्यशाला हमारे संयोजक गण आदरणीय गौतम मित्तल और आशीष गोयल जी द्वारा डिजाइन की गई है। उन्होंने शिल्पी गोयल जी से समय लिया और आप सबके बीच ये कार्यशाला लेकर आई ताकि हम अपनी ईटिंग हैबिट्स में हम ऐसे आदतों को शामिल करें, ऐसे भोजन और खाद्य पदार्थों को शामिल करें जो डेफिनेटली हमको न्यूट्रिशनली बेनिफिशियल हो और वर्तमान परिस्थिति में हमारा एनर्जी लेवल बनाए रहने में हमारी को सहयोग करे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आशीष गोयल जी को कार्यक्रम सुपुर्द करता हूं कि वो आगे की गतिविधियां बनाए। बजरंग जी अभी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, हम उनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद भैया। हमारे बीच अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हनुमान प्रसाद अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। मैं आपका युवा अग्रवाल सम्मेलन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। कोरोना काल में पिछले बार भी जो आयोजन किया गया था और आज जो डॉक्टर शिल्पी गोयल जी को माध्यम से जो कार्यक्रम आयोजन किया गया है निश्चित रूप से सभी के लिए उपयोगी और लाभकारी साबित होगा। मैं इन्हीं भावनाओं के साथ देश अग्रवाल और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हनुमान प्रसाद अग्रवाल जी। इससे पहले कि मैं ये कार्यक्रम हमारे आज के ट्रेनर को सौंपूं, मैं उनका एक छोटा सा परिचय आप सभी के बीच रखना चाहता हूं। हमारे आज के इस कार्यक्रम की प्रमुख वक्ता डॉक्टर शिल्पी गोयल, जो कि छत्तीसगढ़ की एक वेल नोन डाइटिशियन और वेलनेस एक्सपर्ट है, शी इज ए फाउंडर ऑफ इंस्पायर वेलनेस, शी इज ए कंसल्टेंट डाइटिशियन ऑफ अपोलो क्लिनिक्स एंड शी इज ए कन्वेनर ऑफ IDA छत्तीसगढ़ चैप्टर। शी इज अ रेगुलर स्पीकर फॉर सेहत प्रोग्राम एट INH न्यूज चैनल, रेगुलर आर्टिकल कॉन्ट्रीब्यूटर एट दैनिक भास्कर एंड अदर प्रिंट मीडिया। शी वॉन द टाइटल ऑफ मिसेस छत्तीसगढ़ एंड मिसेस एशिया पेगेंट 2017। शी इज एन आर्टिकल कॉन्ट्रीब्यूटर फॉर हर्बल हेल्थ मैगजीन बिलासपुर। शी इज अ कॉरपोरेट एंड स्कूल न्यूट्रिशन ट्रेनर। शी कंप्लीट हर एजुकेशन फ्रॉम 12th in commerce in Rajkumar College. She was the second topper in ISC board. Completed her BSc in LAD College Nagpur with gold medalist and completed her MSc with food and nutrition dietetics with MS University Baroda. She works with Arogya Hospital Raipur, Talwalkar GYMS Mumbai and internship at AIIMS Hospital Mumbai. The last and more important thing, she was awarded by Agra Ratan last year on the occasion of Agrasen Jayanti. Thank you so much, ma'am, and welcome you. Now, floor hand over to Dr. Shilpi Goyal, please. Thank you so much. बहुत ही lovely और बहुत ही प्यारा introduction आपने मेरा दिया और मैं बहुत happy हूँ जो ये platform है, जो Agrasen Jayanti है, ये सब मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ समाज को लेकर, अपने समाज से। और मैं आज का जो अपना टॉक है उसको शुरू करने के लिए मैं दो लाइन जरूर गुनगुनाना चाहती हूँ जो मुझे पिछले साल की अग्रसेन जयंती की याद दिला देता है। तो सरेश भैया, मेरी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं है लेकिन मैं जरूर दो लाइन गाते हुए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूँगी। अग्रसेन महाराज के वंशज अग्रवाल कहलाते हैं, धर्म के पथ पे आगे बढ़कर जग में नाम कमाते हैं। और मैं बहुत प्राउड हूँ कि मैं
उसी अग्रसेन महाराज के वंशज में से हूँ और आज अग्रसेन महाराज की जय बोलते हुए मैं आज अपनी टॉक यहाँ पे शुरू करूंगी, क्योंकि हमारे समाज के लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए अगर हमारा हेल्थ हमारे साथ ना हो तो ये बहुत ही बड़ा एक हमारे लिए एक लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है। तो हेल्थ, सेहत और जो स्वास्थ्य है वो हमारा पहला धर्म है, पहला कर्तव्य है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि पहला सुख जो है वो है निरोगी काया। और आज हमारे लाइफ में इतनी सारी चेंजेस आ चुके हैं हमारी लाइफ स्टाइल में, हमारी डाइट में, हमारे इमोशनल लेवल में, कि हम सभी चीजों से कोप अप नहीं कर पाने की वजह से हमारा जो है हेल्थ वो सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो हम देखते हैं कि हम बहुत सफलताएं पा लेते हैं, लेकिन अगर स्वास्थ्य हमारा सही नहीं रहे, अगर हमारा हेल्थ हमारे साथ ना रहे, तो फिर हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो ये एक बहुत प्राइमरी कंसर्न है जो सबके लिए इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। तो उसी से जुड़ी मैं कुछ जरूरी बातें आज आप लोगों से शेयर करूंगी। तो एक मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसका टाइटल मैंने रखा है राइट डाइट नीड ऑफ एन आर। आज मेरे ख्याल से कोरोना टाइम पे हम जानते हैं कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आई थिंक इससे बेस्ट टाइम नहीं होगा जब हमें राइट डाइट का महत्व जो है वो पता चले। ये दिस इज द बेस्ट टाइम व्हेन वी आर अवेयर दैट राइट न्यूट्रिशन इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो सबसे ज्यादा जो बड़ी मिस्टेक जो हम लोग करते हैं वो ये होता है कि हमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम मेडिसिन के थ्रू से ट्रीट करना चाहते हैं। अगर हमें बीपी है, हमें शुगर है, हमें एसिडिटी है, या हमें गैस की प्रॉब्लम है, तो हम सबसे पहले जाके उसके लिए एक मेडिसिन ले आते हैं और उसे ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। बट हम अपनी इंटरनली ये चीज को करेक्ट नहीं करते हैं कि ये सारी चीजें जो हैं वो डाइट और लाइफस्टाइल से ही जुड़ी हुई हैं। हम इस चीज को रियलाइज करने में फेल हो जाते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि दवाई के ऊपर दवाइयाँ ऐड होती चली जाती हैं और हमने चूंकि अपने रूट पे काम नहीं किया, हमने चूंकि अपनी जड़ों को ठीक नहीं की, तो हम प्रॉपर जो रिजल्ट है वो पा नहीं पाते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे, विशेषकर हमारे समाज में लाइफस्टाइल बीमारियां बहुत कॉमन होती हैं। अगर मैं आज आप लोगों से पूछूं कि आपके घर में कुछ ऐसे लोग हैं क्या जिनको बीपी है, शुगर है, या हार्ट की प्रॉब्लम है, या डायबिटीज, या थायराइड है, या फैटी लिवर है, तो 100% आपके परिवार में एक या दो व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको ये प्रॉब्लम है। और हमने इसे इतना कॉमन समझ लिया है कि ये तो हम सबको होना ही है एक एज के बाद। लेकिन क्यों? क्या ये हेरिडिटी है? क्या ये हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल है? क्या ये एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास आजकल आ गए हैं? हमारे पास धन ज्यादा है, हम अपने रिसोर्सेज बढ़ा चुके हैं, या फिर हमारा फूड और डाइट पैटर्न चेंज हो गया, इसकी वजह से है? आज हम इन सभी चीजों पे चर्चाएं करेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि एक चीज जो इन सभी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स में कॉमन है वो है मोटापा, यानी कि आपका वेट का बढ़ा हुआ होना। क्योंकि ये शुरुआत का जो इसका पॉइंट है, ये सारी जो बीमारियां हैं, माइग्रेन हो, हाथ पैरों में दर्द हो, अर्थराइटिस हो, कमर में दर्द हो, एसिडिटी हो, गैस हो, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है, या फिर जैसा भी आप बोल रहे थे इंट्रोडक्शन पढ़ते समय कि कोरोना टाइम पे हमें मतलब बहुत एनर्जी लेवल लो लगता है, ये जो सारी चीजें हैं, इट ऑल स्टार्ट्स विद वेट गेन। वैल्यू आती है अगर आप 23 से ज्यादा हैं, तो इसका मतलब आप ओवरवेट हैं, ओबीस हैं। सेकंड जो इसका मार्कर होता है कि आप ओवरवेट तो नहीं है, तो आप अपनी कमर को नापिए। जिनकी भी कमर का जो सर्कमफ्रेंस है वो ज्यादा है, किससे ज्यादा? अगर आपकी हाइट को इंचेस में आप निकालते हैं और उसका हाफ करते हैं और आपकी कमर का घेरा अगर उससे ज्यादा है, तो भी आप जो है आप ओवरवेट कहलाएंगे। क्योंकि ये एक नई रिसर्च है जिसमें ये कहा गया है कि आपका वेट खाली अकेले आपको ओवरवेट नहीं कहलाता है। अगर कोई पूरा दुबला पतला है और कमर का उसका सर्कमफ्रेंस ज्यादा है, तब भी उसे ओवरवेट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी हाइट 64 इंच है, तो मेरी कमर का जो मेजरमेंट है वो 32 इंच से अगर ज्यादा है, तो मैं ओवरवेट कहलाऊंगी, या मुझे फ्यूचर में प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज्यादा रहेंगी। तो आज ही आप लोग सब अपना बीएमआई चेक करें, आपकी कमर का मेजरमेंट
तो जितने भी लोग हैं जो पतले हैं लेकिन उनकी कमर का चर्बी ज्यादा है, कमर का उनकी अगर पेट निकला हुआ है, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है थिन फैट इंडियन। थिन फैट इंडियंस जो हैं वो डायबिटीज, हार्ट डिसीज, इन सभी के लिए ज्यादा प्रोन होते हैं। बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि जापान, ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे अगर आपके पर्टिकुलर वेस्ट अगर ज्यादा है, एक पर्टिकुलर उन्होंने लिमिट डिसाइड की हुई है, अगर उससे ज्यादा है तो ऐसे लोगों पे टैक्स गवर्नमेंट लगाती है, जिस टैक्स का नाम है मेटाबो टैक्स। मतलब कि ऐसे लोगों को मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होने की चांसेस ज्यादा रहती हैं। और दोस्तों वो दिन दूर नहीं है जब हमारे इंडिया में भी इस तरह का टैक्स गवर्नमेंट लगाने लगे। तो बेटर है कि आप जितने टैक्स देते हैं, और अगर ये टैक्स और ऐड हो गया तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्योंकि ये ना केवल टैक्स को तो छोड़िए, ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत खतरनाक है। तो जितने भी लोगों का पेट निकला हुआ है आज, वो सभी संभल जाइए, क्योंकि ये जो है ये बायो मार्कर है बहुत सारी बीमारियों के लिए। जो गलती हम सब करते हैं वो ये है कि हम अपनी एक्सरसाइज को ओवर रेटिंग करते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन अपनी एक्सरसाइजेस से बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि मुझसे जितने भी लोग मिलते हैं उनका एक कॉमन क्वेश्चन होता है, मैडम हम रोज 45 मिनट ब्रिस्क वॉक करते हैं लेकिन फिर भी वजन ज्यादा है, हम क्या करें? तो मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहूंगी कि केवल वॉकिंग कर लेने से या एक्सरसाइज और योगा और जिम जाने से प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होगी। डाइट जो होती है वो आपका 80% रोल प्ले करती है, और डाइट में जब तक आप ध्यान नहीं देंगे, डाइट में आप डिजायर चेंजेस नहीं करेंगे, तब तक जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ अब मैं चाहे जो मर्जी खा लूं, तो ये सोचना बहुत गलत है, क्योंकि एक्सरसाइज से आपकी बॉडी का शेप डिसाइड होता है लेकिन डाइट से आपकी बॉडी का जो वेट है वो डिसाइड होता है। और एक्सरसाइज केवल 20% पिक्चर को क्लीन करती है, लेकिन बाकी की जो पिक्चर है वो आपकी डाइट डिसाइड करती है। और विदम डाइट्स फॉलो करते हैं, व्हाट्सएप में पढ़ के, इंटरनेट पे देख के, अपने नेबर से पूछ के, या फिर जिन्होंने वेट कम किया है उनकी डाइट को भी हम ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं। हम इस बात को नहीं समझते कि हर एक की बॉडी के सिचुएशंस, हर एक की हाइट और वेट, जेंडर, देर आर सो मेनी थिंग्स जिसके साथ आपकी डाइट डिसाइड होती है, आपकी लाइकिंग, आपकी डिसलाइकिंग, आपका बॉडी वेट, आपका मसल मास। तो हर एक की डाइट इंडिविजुअल होती है, आप किसी दूसरे पर्सन के डाइट चार्ट से अपने ऊपर रिजल्ट नहीं देख सकते। और ऐसा करके हम कभी कभी अपना नुकसान कर लेते हैं, कभी कभी हम अपनी जरूरत से कम खा लेते हैं या फिर जरूरत से ज्यादा लेते रहेंगे, तो फिर हमारा वेट में कोई फर्क नहीं दिखता। हमें ये बात पता होनी चाहिए कि डाइट चार्ट्स जो होते हैं वो कॉमन नहीं होते हैं, और सभी की डिफरेंट डिफरेंट नीड होती है। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले तो हमारा जो हम जो ये गलत काम करते हैं कि हमारा सिलेक्शन ऑफ फूड गलत हो जाता है। तो आज हमारी एक्सरसाइज के नाम पे हम कितना एक्स्ट्रा खा लेते हैं, और हम सोचते हैं कि हम एक्सरसाइज करके सभी चीजें खा सकते हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं कि कितना ज्यादा हमें लगता है जब हम उस चीज को पचाने के लिए जब हम कोशिश करते हैं, और खाने में हमें केवल 5 मिनट्स लगते हैं। हम पर से एक समोसा भरे पेट में भी ले लेने में संकोच नहीं करते हैं, या फिर हमारे इंडिया में या हमारे अग्रवाल समाज में स्पेशली ये ट्रेडिशन है कि पूरा खाना फिनिश होने के बाद हमें एक काजू की कतली, 2 रसगुल्ले खाने में कहीं भी लगता नहीं है और एफर्ट्स नहीं लगते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि वो बॉडी पे कितना ज्यादा लोड हो जाता है और कितनी हाई कैलोरी हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे लेसन ये है फ्रेंड्स कि आप रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ फूड से बचिए। और कैलोरी डेंसिटी का मैंने आपको ऑर्डर समझा ही दिया है। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो हमें ध्यान रखने की हैं, जिसमें स्पीड है खाने की। अगर आप खाने को बहुत स्पीड से खाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपने सटाइटी सिग्नल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, यानी कि पेट भर गया इस चीज को समझ नहीं पाएंगे और ओवर ईटिंग कर लेंगे। तो 20 मिनट लगते हैं आपकी बॉडी से आपके ब्रेन तक पहुंचने में कि आपका पेट भर चुका है। तो हमेशा आप अपने खाने को चबा चबा के और टाइम लेके खाएं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप मल्टीटास्किंग ना करें। जब भी आप खाना खाते हैं आप अपने 5 सेंसेस को अपने फूड पे लगाएं, तो आप देखेंगे कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल थोड़ा फास्ट जल्दी आता है। और जो हम टीवी देखते देखते पॉपकॉर्न खाते हैं, या आप मोबाइल देखते देखते खाना खाते हैं, या फिर हम मल्टीटास्किंग करते हैं, तो आप देखेंगे कि हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं और हमें पता नहीं लगता।
तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि लेट डिनर ना करें, यानी कि आपके खाने के बीच में और लास्ट मील के बीच में 3 घंटे का गैप होना चाहिए। अगर आप खाने के बाद सो जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपके हेल्थ के लिए ये बात सही नहीं है। चौथी बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि कॉन्स्टेंट मंचिंग से बचना चाहिए। बहुत सारी यहाँ पे हमारी हाउसवाइफ जुड़ी हुई हैं आज के सेमिनार में, वेबिनार में। आप ये बात को ध्यान रखें कि अगर चलते फिरते किचन में आप बार बार कुछ कुछ चीजें खाते रहेंगे, कॉन्स्टेंट मंचिंग करेंगे, तो कभी भी वजन जो है वो कम नहीं होगा और हेल्थ के प्रॉब्लम्स बने रहेंगे। तो कुछ भी खाने के बाद 3 घंटे का डिस्टिंक्ट गैप दीजिए, उसके बाद आप कुछ भी लीजिए। एक्सेसिव सिडेंटरी होने से बचिए। जितने भी लोग हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या फिर घर की लेडीज हैं, एक जगह पे ज्यादा देर ना बैठें, उठ के वॉक करके आए, थोड़ा सा अपना पानी वानी पीकर आए और अपने बॉडी को लूजन अप करें। और एक जगह पे बहुत लंबे समय तक बैठना बहुत खतरनाक है, आपके हेल्थ को खराब करता है, आपके पेट को। शुगर को छोड़ने में ही भलाई है। आप चाहें तो मीठे में अगर आपको कुछ खाना है तो आप फ्रूट्स ले लें, नट्स ले लें, ड्राई फ्रूट्स खा लें, या फिर नेचुरल स्वीटनेस पे ही आप जाएं तो बेटर रहेगा। लेकिन गुड़ को अपना फ्रेंड समझ के उसकी ओवर कंजम्पशन ना करें, ये आपका मिथ है कि वो सेफ है। नेक्स्ट जो मैं देखती हूँ कि एक कॉमन सभी लोगों में मिस्टेक रहती है कि वो पानी का इंटेक इनफ नहीं करते होते हैं। तो आज ही आप अपने पानी का इंटेक को वॉच, और किस तरीके का खर्च करना है, आपको अपने मसल की स्ट्रेंथ बढ़ानी है। मसल बिल्डिंग के लिए कुछ बॉडी वाली एक्सरसाइजेस होती हैं, योगा होते हैं, योगासन होते हैं, या वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, वो आपको जरूर इंक्लूड करना है। तो आपका जो है वो कैलोरीज खर्च होंगी और आप धीमी धीमी गति से जो वेट पुट ऑन करते जाते हैं केज के बाद, वो आपका स्टॉप हो जाएगा। अगला जो मैं आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ वो ये है कि हम में से 80% लोग अपने दिन की शुरुआत चाय और बिस्किट से करते हैं, चाय या टोस्ट से करते हैं, जिससे हेल्थ को बहुत ज्यादा डैमेज होती है हेल्थ हमारी। क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग पहली चीज अगर आप चाय ले लेते हैं, बिस्किट, लेकिन उसके तरीके हमने बहुत ज्यादा बिगाड़ लिए हैं, अपने तरह से उसे मॉडिफाई कर दिया है, तो हम क्या करते हैं, हम दिन भर भूखे रहते हैं। और बहुत सारे लोग तो चाय पीते रहते हैं फास्टिंग के दौरान, वो और भी ज्यादा डैमेजिंग होता है। क्योंकि फास्टिंग में जब आप चाय पीते हो तो वो आपकी एसिडिटी को बढ़ा देता है। तो आपको फास्टिंग राइट तरीके से करना आना चाहिए। और फिर हम क्या करते हैं, जैसे ही हम फास्ट खोलते हैं तो फिर हमारे पास बहुत सारे मीठे रहते हैं, बहुत सारी पराठे और पूड़ी और हेवी चीजों से हम अपने फास्ट को ब्रेक करते हैं। तो आज क्यों ना हम कम्युनिटी वाइज एक डिसीजन ले कि हम साइंटिफिक राइट तरीके से फास्टिंग करेंगे। और फास्ट को ओपन करने का जो प्रोटोकॉल है कि आप लाइट से हेवी की तरफ जाएं, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे तो इसके अमेजिंग बेनिफिट्स मिलते हैं। फास्टिंग आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बनी है, लेकिन हमने उसे अपने तरह से चेंज करके, उसके स्वरूप को बदल कर हमने उसे ऐसा बना दिया कि आजकल मैक्सिमम लेडीज को फास्टिंग की वजह से कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज आने लग गए हैं। तो बताएं कि हम जो फास्ट करते हैं उसको राइट तरीके से करना कितना फायदेमंद है, और जो हमने गलत तरीका अपना रखा है उससे वो कितना ज्यादा डैमेजिंग हो जाता है। जो भी हम व्रत करते हैं, चौथ के हों या जो भी हम फास्टिंग रखते हैं, उसको अगर सही तरीके से किया जाए तो उसके बेनिफिट्स अमेजिंग होते हैं। बहुत सारी आप फालतू चीजें लेते हैं, जंक चीजें लेते हैं, बहुत सारी पैकेट वाली चीजें खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, मिक्सचर खा रहे हैं, बिस्किट्स खा रहे हैं, शुगर ले रहे हैं, तो आज ही आप स्टॉप करें और अपनी डाइट में कुछ हेल्दी चीजों को इंक्लूड करें, जैसे कि नट्स, यानी कि ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, बहुत सारे सीड्स हैं जो सुपर फूड हैं, चिया सीड, मेथी सीड, अलसी के बीज, ये सब चीजों को थोड़ा थोड़ा आप इंक्लूड करें डाइट में। वेजिटेबल को बहुत मात्रा में आप अपने डाइट को में जगह दें। फैट फ्री दूध है, ये सभी चीजों को आप डाइट में जगह दें। एक्सरसाइज करना कितना इंपॉर्टेंट है, हमने अपने टॉक की शुरुआत उसी से की थी कि हम कैसे एक्सरसाइज को ओवर रेटिंग करते हैं या उससे ओवर एक्सपेक्टेशन लगा के रखते हैं। अपनी नींद को सही तरीके से हम डील करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी इमोशनल बैलेंस को हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं तो भी आपकी बॉडी में सही तरीके से आपकी हेल्थ आपका साथ नहीं देती है। क्योंकि जैसे ही स्ट्रेस हॉर्मोन पैदा होते हैं तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती है। तो हमेशा पॉजिटिव थिंकर बने तो आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी। तो
मेडिसिन के पीछे ना भागते हुए अपनी जड़ को सही करने की कोशिश करें, अपनी लाइफस्टाइल और डाइट में आज से ध्यान देना शुरू करें, अपने वेट को नॉर्मल रेंज पे रखें ताकि फ्यूचर में आने वाली बीमारियों से आप बच सकें, तो अपनी पुरानी हैबिट्स को बदलना और नई हैबिट्स को शेप में लाना ये एक टफ चीज जरूर है, लेकिन एक बार अगर आपने इसको कर लिया तो न केवल आप अपना बल्कि पूरे परिवार का सिस्टम को ठीक करते हैं और सभी को भला होता है, सभी का आपके पीछे भला होता है। तो आई एम श्योर कि आज की जो टॉक है उसमें से जो भी बातें आपको समझ में आई या आपको लगा कि ये मेरे अंदर बदलना चाहिए, बदलाव लाना चाहिए, तो आई थिंक ये आपके लिए एक बहुत बड़े रूप में आपको फायदा देगा और आज के स्टॉक में बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सरल शब्दों में काफी अच्छे तरीके से टॉपिक को एड्रेस किया एंड मैं पार्टिसिपेंट्स को बोलना चाहूंगा कृपया किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो तो एक एक करके पूछें, अपने आप को अनम्यूट करें और एक एक करके भी अपनी बात पूछ सकते हैं। नमस्ते मैडम, मैं बजरंग अग्रवाल ट्राई कर रहा हूँ और जैसे ही मैं उसको लिक्विड डाइट पे कर रहा हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा हेडेक होता है, तो वो किस वजह से होता है या मुझे फास्टिंग नहीं करनी चाहिए? आप किसी प्रोफेशनल हेल्प के बिना, प्रोफेशनल एडवाइस के बिना इस तरह के लिक्विड डाइट पे ना चले जाएं, क्योंकि लिक्विड डाइट में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को हम टच नहीं कर पाते, उससे आपकी बॉडी में मुझे नहीं पता कि आपका क्या प्रयोजन है ये लिक्विड डाइट करने का। मोस्टली लोग वेट को कम करने के लिए लिक्विड डाइट पे चले जाते हैं, पर इसको किसी सुपरविजन के साथ करें, किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस के साथ करें, तो बॉडी में डेफिशिएंसीज नहीं आएगी, नहीं तो थोड़े टाइम के बाद आपकी बॉडी में वीकनेस या मसल लॉस होना भी शुरू हो सकता है। गाइडेंस मैम, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ग्रुप में कि जैसे हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग ऑफिस निकल जाते हैं और टिफिन लेके जाते हैं ऑफिस के लिए, लंच भी टाइम से कर लेते हैं, बट लेट नाइट आते आते रात के 8-9 बज जाते हैं, तो उस समय ना हमें तेज भूख लगती है और उस भूख से फिर ऐसा होता है कि कभी भी हम रस्ते में कोई अड़ंगा पड़ंगा दिख जाए तो उसको खा लेते हैं, या फिर कैसा भी मतलब घर पहुंचने की जल्दी के चक्कर में या तो ओवरडोज ले लेते हैं खाने का, वो भूख इतनी मतलब जो है ना पेट में असर करती है, तो उसके लिए क्या इलाज है मैम? मतलब मैंने अभी वैसे बजरंग भैया ने पूछा है आपसे नाइट में कैसा लेना चाहिए, बट वो मेरे लिए सफिशिएंट नहीं होता, मेरे साथ ये पर्सनल केस है। बिल्कुल, तो आपने अपने सवाल का आंसर खुद ही दिया, आपने अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की कि मैं शाम को कुछ नहीं लेता सब्सटेंशियल, जिसकी वजह से रात को इतना भूखा हो जाता हूँ लेट हो जाने की वजह से कि फिर जो सामने दिखता है वो ले लेता हूँ। इसे कहा जाता है अनप्लान्ड मील, यानी कि आपने पहले से प्लानिंग नहीं की, तो आपके जो भूख का मेन समय होता है 6:30-7 बजे का, उस समय के लिए आप अपना टिफिन घर से बुलवा के उस समय आप खा लें और फिर घर में आके बहुत लाइट लेके आप सो जाएं, पहला तो ये है। दूसरा, अगर आपका काम की जगह दूर हो घर से कि आप घर से नहीं बुलवा सक रहे हो या टिफिन की व्यवस्था नहीं हो पा रही हो, तो आप अपने पास कुछ चीजें रख सकते हैं जिसे खाकर आप काफी हद तक वापस एनर्जेटिक बन सकते हैं, जैसे कि अगर आप वेजिटेरियन है तो छेना, अगर आप एगिटेरियन हैं तो एग्स, या फिर आप प्रोटीन का शेक भी ले सकते हैं, प्रोटीन पाउडर। तो इस तरह की कोई भी ऐसी व्यवस्था जो 6:30 बजे आपको सॉलिड मिल जाए, तो आप 8 बजे बहुत ही बैलेंस्ड महसूस करते हैं और उस समय जो भी आपका लाइटेस्ट पॉसिबल डिनर है वो आप करें, क्योंकि सोने के 3 घंटे का गैप होना ही चाहिए आपके लास्ट मील से। तो इस तरह से अगर थोड़ी सी प्लानिंग कर लें तो आप अपने मील को मैनेज कर सकते हैं। मैम, किसी जिम वाले ने मुझे सजेस्ट किया था कि अर्ली मॉर्निंग जैसे आप वेकअप जल्दी होते हैं तो कुछ जरूर से मीठा ले लें, उससे क्या होता है आपकी बॉडी में ना एक एनर्जी आ जाती है, तो ऐसा सही है कि मैम ये मतलब सिर्फ उनका मतलब एक अपना एक्सपीरियंस है वो चीज? हाँ बिल्कुल, मैं ये मानती हूँ कि अपनी बॉडी में उठते ही साथ आप कुछ मीठा डालें ये कोई जरूरी नहीं है, तो जब तक आपकी बॉडी किसी चीज की डिमांड नहीं करती है तब तक आप उसको फिलअप करना शुरू ना करें। उठने के बाद सबसे पहला प्रयास ये होना चाहिए कि आप ढेर सारा पानी पिए, पानी पीने के बाद एलिमिनेशन फेज में रहें, यानी कि अपना पूरी बॉडी को क्लिंजिंग करें। क्लिंजिंग के लिए आप लेमन पानी लें, आप जीरा पानी लें, चिया सीड पानी लें, आप कोई भी हर्बल पानी लें और अपनी बॉडी को क्लीन करते जाएं, ना कि लोड करते जाएं। तो शुरू में उठने के बाद 2-3 घंटे का जो टाइम होता है, जिसको जितना भी समय लगे, उस समय एलिमिनेशन फेज होता है, यानी कि आप बॉडी को क्लीन करते हो, उस समय बॉडी को लोड करना बहुत अच्छा बात नहीं है।
जब भी आपकी बॉडी क्लीन हो जाती है तो आपकी बॉडी डिमांड करती है कि हाँ अब मैं रेडी हूँ कुछ खाने के लिए, उसी समय आप कुछ दें, उसी समय आप बॉडी में कुछ दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हेलो मैम, बहुत अच्छा आपका, आपके द्वारा बहुत अच्छी जानकारी मिली मुझे। इसके बारे में तीन चीजें पूछनी है। पानी जो अपन पीते हैं वो इसके डाइटिशियन के हिसाब से बहुत सुंदर रही। मैं जानना चाहता हूँ, मैं 30 साल से डायबिटीज पेशेंट हूँ। हेलो। हाँ जी, आ रही है आवाज, आ रही है, बताइए। शिल्पी गोयल जी का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना समय दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी और अपने प्रेजेंटेशन के साथ दिए कि बहुत मुझे तो बहुत आसानी से समझ में आया। मतलब पहले तो ऐसा डाइटिशियन या ये प्लानिंग मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई रॉकेट साइंस हो, लेकिन मैडम ने उसे एकदम इजी वे पे समझाया। मेरी वाइफ ने भी बहुत अच्छे से समझा और एकदम पिक्चर क्लियर जैसी हो गई। तो उसके मैं पूरे छत्तीसगढ़ अग्रवाल समाज की तरफ से शिल्पी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आशा रखता हूँ कि समय समय पर वो अपनी इस तरह की कार्यशाला हमारे बीच लाती रहेंगी। कार्यक्रम संयोजक बजरंग अग्रवाल जी और आशीष गोयल जी और ये हमारे मित्तल जी, इन सबका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा सोचा उन्होंने सब्जेक्ट की आज की जो जरूरत है उसके लिए। और शैलेश जी का भी हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ऐसे कार्यक्रम किए और उम्मीद करता हूँ कि भाई आप इसी तरह और भी सब्जेक्ट्स पे हमें एक्सपर्ट से मिलवाते रहेंगे, अपना उनसे राय लेकर जरूर अपनी जिंदगी में बदलाव लेकर आएंगे। धन्यवाद संजय भैया।